ये अपने नींबू लिए हैं, नींबू को चार स्क्वायर में चार पीस में अपने काट लिए हैं और इनको थोड़ा सा बॉयल गर्म पानी में डाला है ताकि सारी गंदगी निकल जाए। अब इसमें अपने डालेंगे नींबू को, एक बाउल में डाल लेते हैं। अब इस नींबू के अंदर अपने डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये नमक, ये देखिए थोड़ा सा नमक डालना है बस। और अब इसमें अपने डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, आप चाहे तो हल्दी को अवॉइड कर सकते हैं। अब ये अपने थोड़ी सी हल्दी डाल दिए हैं, अब अपनों इनको अच्छे से मिक्स करके अपने इसको 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि नमक अपना पानी छोड़ दे। अब अपने इसको मिक्स कर लिया अच्छे नींबू को हल्दी और नमक में। अब इसको अपने को 10-15 मिनट ढक के रख देना है जब तक ये, अब अपना नींबू में देख सकते हैं नमक ने ऑलरेडी, नमक का पानी हो चुका है। अब इसमें अपने मिक्स करेंगे कस्तूरी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से जितना स्पाइस लेवल पसंद है उतना लाल मिर्च डाल दें। फिर अपने इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, ये अपने ने हींग डाल दी है। अब अपने नेक्स्ट जो इसमें डालने जा रहे हैं वो है काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च लीजिए। ये अपने ने काली मिर्च डाल दी है। अब इसमें डाल रहे हैं अपने सौंफ, आप चाहो तो सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं, अगर सौगी हो गई है सौंफ, अगर क्रिस्प होगी तो अच्छी रहेगी, तो इसको आप थोड़ा सा कढ़ाई में टोस्ट कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे अपने कलौंजी, कलौंजी ये देखिए ये काली, इसको डाल चुके हैं। अब अपने इसमें डालेंगे अजवाइन, ये हो गई अपनी अजवाइन, इसको आप एक एक छोटा स्पून के हिसाब से सब कुछ डाल दें। अब इसमें अपने डालेंगे लास्ट में सेंधा नमक, ये अपना सेंधा नमक हो गया। अब इनको सबसे को अच्छी तरह अपने को मिक्स करना है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं अब इनको अच्छे से अपने को मिक्स करना है, और चाहो ये देखिए ऑलमोस्ट ये अचार रेडी है। अब आपको क्या करना है, एक कांच का कंटेनर लेना है, कांच का कंटेनर, इसमें आप चाहे तो एक कोयले पे, थोड़ी सी गर्म कोयले पे हींग डाल के इसमें ये क्या है इसका स्मोक इसमें डाल दें, और इसको अब अपने इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और धूप में 7 से 8 दिन धूप में इसको रख देना है। मेक श्योर करें जब धूप में रखें दिन में 2-3 बार इसको हाथ से मिक्स कर ले स्पून डाल के, ताकि ये अच्छे से मिल जाए। तो आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं ये अपना ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है अचार। अब इसको क्या करना है, धूप में 7 से 10 दिन तक रखना है और डेली दिन में 1-2 बार अपने को इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि ये अच्छे से बन जाए। इसको करेंगे पैक और इसको रख देंगे धूप में, अपना रेडी है अचार।